हेलो स्टूडेंट, आरके कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्लास 8th का मैथ, ठीक है, एनसीईआरटी मैथ। और हम पढ़ रहे हैं बेटा परिमेय संख्या अध्याय 1। तो बेटा, हमने पिछली कक्षाओं में प्रश्नावली 1.1 को संपूर्ण कर लिया था। अब बेटा हम प्रश्नावली 1.2 कर रहे थे, जिसके हमने दो सवाल कर लिए थे, ठीक है बेटा। और आज हम कर रहे हैं बेटा तीसरा सवाल। तो देखो बेटा, हम तीसरा सवाल पढ़ते हैं और फिर आपको समझाते हैं इसमें क्या करना है। तो देखो बेटा, ऐसी पांच प्रमेय संख्याएं लिखिए जो दो से छोटी हों, ठीक है बेटा। तो मतलब प्रमेय संख्या बेटा जो दो से छोटी, मतलब दो से बाद के पहले अंक बेटा एक और जीरो भी हैं, जीरो और एक है, तो कोई अंत नहीं बेटा। अनंत प्रमेय संख्या होती है जो बेटा दो से छोटी होती है। आप कोई भी छोटी संख्या लिख लो जो दो से छोटी, माइनस में लिख दो कोई भी संख्या अपनी मर्जी से, जीरो एक माइनस की कोई भी संख्या, पाँच लिखो, चार, आपका आंसर भी सही होगा। जो मैं यहाँ लिखूंगा वो भी आंसर सही हुआ, क्योंकि बेटा दो से छोटी अनंत है, कोई अंत नहीं है बेटा। करोड़ों अरबों संख्याएं, मतलब कहने का मतलब ये है कि इनकी मैं काउंट ही नहीं कर सकता, ये कभी समाप्त ही नहीं हो सकती, ठीक है बेटा। तो देखो, कोई भी पाँच परिमेय संख्या यहाँ लिख सकते हैं हम, जो तुम लिखोगे वो भी सही होंगी। और बेटा जो मैं लिख रहा हूँ वो आपके मैथ में मैच करोगे तो मैच नहीं होंगे बेटा, वो अलग होंगे। जो मैं लिख रहा हूँ वो अलग होंगे, जो मैं लिखा वो भी सही होंगी, और आप अलग लिखोगे मैथ से अलग वो भी सही होंगे, ठीक है बेटा। तो चलो, मैं देखो पांच प्रमेय संख्या लिखता हूँ। तो चलो, मैंने यहाँ पे एक लिख दी, यहाँ पे बेटा एक बटा दो लिख दी, माइनस की मैं इसको लिख सकता हूँ एक बटा तीन, और ये बेटा हम लिख सकते हैं दो बटा तीन, है ना, ये सारी संख्या। और माइनस की ले लो, नहीं तो बेटा आप अपनी मर्जी से तीन बटा चार ले लो। ये सारी संख्या में कैसी बेटा, प्रमेय संख्या अनंत है बेटा। जो दो से छोटी है वो सब प्रमेय संख्या है बेटा, अनंत है, कोई अंत नहीं बेटा। तो जी पाँच मैंने निकाल दी, एक दो तीन चार, एक मैंने इसमें माइनस की ले दी, आप एक नहीं दो ले लो, सारी माइनस की ले लो आप चाहो तो, ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर सही है, ठीक है। अब चलो बेटा, हम समझते हैं इसका पार्ट चार, ठीक है। तो देखो बेटा, हमने चौथा क्वेश्चन उतार लिया है, ठीक है। तो चलो इसको पढ़ते हैं। माइनस दो बटा पाँच और एक बटा दो के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो, वैसे तो इनके दोनों के बीच में बेटा अनंत परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, पर लेकिन हम तुम्हें बताते हैं बेटा 10 परिमेय संख्या किस प्रकार निकाली जाती है, ज्ञात करी जाती है, ठीक है बेटा। तो ध्यान से समझना बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो बेटा, ये सवाल देख रहा है ना, इसके हर देखो बेटा, हर कैसे अलग अलग, हमें पहले इनके हर समान करने होंगे, ठीक है बेटा। तो चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हरों को, हरों को समान करने पर, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, हरों को बराबर करने पर। तो देखो बेटा, अब मैं तुम्हें जो पॉइंट बताने वाला हूँ वो समझना ध्यान से। देखो माइनस दो बटा पाँच, इसको थोड़ा मैं दूर लिखूंगा, एक बटा दो, यानी कि हरों को कैसे समान करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। यही है थोड़ा सा पॉइंट, आप यहाँ समझिए तो सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या करना है कि इसमें जो दो दे रखी है हर में, इसमें दे रखिए पाँच, इस पाँच को लेके इस बिन्नी के अंश और हर में गुणा कर लो, और इसके नीचे जो हर में दे रखिए दो, उस दो से इस बिन्नी के अंश और हर में गुणा कर लो। एक बार फिर सुनो, ये इस बिन्नी में जो पाँच दे रखी है, इस पाँच से इस हर से इस बिन्नी के अंश और हर में दोनों में गुणा कर दो, ऊपर और नीचे। ऐसे बेटा इस बिन्नी के हर से इस बिन्नी के अंश और हर में गुणा कर दो दोनों। तो देखो बेटा, मैं यहाँ से इसे लेता हूँ पहले, तो देखो ये दो है, मैंने ऊपर भी गुणा कर दी, और ये दो मैंने इसके नीचे गुणा कर दी, ठीक है। ऐसे बेटा इसके नीचे पाँच थी ना, इस पाँच को मैं उठाऊंगा, इस बिन्नी के ऊपर भी गुणा कर दूंगा अंश में, और इस बिन्नी के हर में भी गुणा कर दूंगा। अब देखो अपने आप हर समान हो जाएंगे बेटा। तो पहले इसको हल करते हैं, दो दो नहीं चार, माइनस की चार प्राप्त हुई, और दो ये दस, ये बेटा पाँच का। तो देखो बेटा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, पाँच एकम पाँच बट्टा पाँच दूनी दस, ठीक है। अब देखो बेटा, माइनस पाँच हम हमारे समान हो गए, तो माइनस चार पाँच, ये माइनस चार और इस पाँच के बीच हम पता करें बेटा कितनी परिमेय संख्या हमें दस चाहिए। तो देखो मैं लिख के देखता हूँ, माइनस पाँच ये तो हम लेंगे नहीं, ना पाँच लेंगे, इनके बीच में लेंगे तो माइनस तीन, ठीक है बेटा, माइनस दो, माइनस एक और जीरो, ठीक है। और फिर बेटा हम लेंगे यहाँ पे एक दो तीन चार, और ये पाँच आ गई ये वाली, उसके बाद में पाँच, मतलब ये पाँच, अरे थोड़ा दूर लिखता हूँ मैं इसको, तीन और चार, और देखो बेटा ये आ गई पाँच, इधर बेटा ये माइनस चार थी, तो मतलब ये दोनों तो हमें लेनी नहीं, इनके बीच में लेनी कितनी बेटा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, हमें कितनी चाहिए बेटा, दस परिमेय संख्या, ठीक। तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, ऐसे निकलने नहीं है ना, तो हम इस बिन्नी के अंश और हर में एक बार और गुणा कर देंगे दो का, ठीक है।
तो चलो कर देते हम, तो आसानी से निकल आएंगे। तो लिखेंगे बेटा परमे संख्या, परमे संख्या -4/10 और ठीक है बेटा, और 5/10 को 10 के, 10 को बेटा 10 के अंश हुआ हारों में 2 से, ठीक है 2 से गुणा, यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा कर ले। आप थोड़ी मैंने लाइन ये लंबी लिख दी, आप कितना लिख सकते हो इतना लिख देना, -4/10 और 5/10 के अंश वाले में 2 से गुणा करने पर, ठीक है बेटा। तो चलो देखते हैं हम, तो देखो बेटा मैंने क्या लिखा है, परिमेय संख्याएं जो दोनों बेटा -4/10 और हमारी बेटा दूसरी 5/10, ठीक है, -4/10 और 5/10 के अंश हर में 2 से गुणा करने पर, जैसे हमने बेटा इनमें पहले किया ना, इनके हरों का अंश और हर में, स्केयर का इसमें, स्केयर का इसमें, अंश और हर में गुणा। अब देखो बेटा तो फिर इसको ऐसे लिखो -4/10, इसके भी 2 से गुणा करें बेटा, हर में अंश में सॉरी और हर में भी, ऐसे इसको भी लिख लो 5/10। अब इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर और नीचे भी कर दो, मतलब अंश में भी हर में। अब इसको हल करके बेटा यहाँ लिख दो, तो देखो -8/20 कितने आ रहे, 10 × 20, ठीक है बेटा। और दूसरी परिमेय संख्या निकल के आएगी बेटा हमारी 5 × 10 और बेटा 10 × 20। अब देखो मैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें इस तरह चेक करने की, क्योंकि अभी मैंने बेटा -4 और 5 के बीच में चेक करी तो 8 निकली आसानी से। बेटा आप समझ रहे हो कि माइनस के 8 से जब पीछे जाएंगे 0 तक, तो 7 तक तो हो जाएंगे, और फिर 0 से 1 से ले 0 पे आ जाएंगे, फिर 1 से 10 तक जाएंगे बेटा हम, तो फिर 10 वो निकलेंगे आराम से बेटा, हमारी 10 परिमेय संख्या निकलेंगे। चलो तो देखो मैं यहाँ पे इनको लिखता हूँ मैं -8/20, ठीक है, और चलो मैं लिखता जाता हूँ, उसको बाद में लिख दूंगा 10/20 को। देखो -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, ठीक बेटा, -2/20, ठीक है, और भी लिख रहा हूँ बेटा मैं थोड़ी देर, -1/20, और बेटा यहाँ पे फिर आ जाएगी हमारी 0, इसके बाद बेटा 1 और 2, पहले मैं देखता हूँ बेटा 10 निकलाएं कि नहीं। तो देखो मैंने कहा था बेटा इसको तो हम संभालेंगे, इसकी गिनती नहीं करेंगे, मान इसको तो रख देंगे, छोड़ देंगे बेटा, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, इनके बीच में हम उन्हीं को लेंगे बेटा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आसानी से निकलाएं, तो देखो बेटा कितनी हुई हमारी, 10 हो गई यहाँ तक, मैंने यहाँ तक गिन ली 10। अब बेटा चाहो तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट कर दो आप, और इस बिल्कुल को भी लिख दो 10/, सॉरी मैं इसको थोड़ा सही ले लूँ, 10/20। तो देखो फिर एक बार मैं आपको बता दूँ कि ना तो इन दोनों में ये वाली बिन्ने ना, मेरी ये वाली और ये वाली बिन्ने, इनको नहीं लूँगा यहाँ पे, ये 10/20 है इधर में, ये बेटा माइनस की 8/20 है, इनके बीच में बेटा हमने 10 निकालनी है, तो 1 2 3 4 5 6, तो देखो बेटा ये यहाँ पे मेरी 10 परिमेय संख्या निकल आए, किस किस के बीच में निकले बेटा, -2/5 और 1/2 के मध्य। तो थोड़ा मैं लिख दूँ इसको, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है बेटा। अब आप इनको लिख दो, ठीक है, लिख रहा हूँ -7/20, -6/20। तो देखो बेटा 1 2 3 मैंने उधर लिख दिए, अब मैं इधर लिख देता हूँ, क्या है कि वहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है, तो मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, कहाँ से -4/5, -3/सॉरी 5 नहीं बेटा 20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20 और बेटा 0 और 1 और 2, ये बेटा हमारा उत्तर है, ठीक है। चलो अब बेटा तीसरा, वो पांचवा क्वेश्चन करते, ये चौथा हो गया। चलो